हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीस्केप्स। नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, फाउंडर एंड सीईओ सीस्केप्स सिटी एक्वेरियम प्राइवेट लिमिटेड। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो ये एपिसोड है, ये एपिसोड डैमसेल के एक बहुत इंटरेस्टिंग वैरायटी के ऊपर है, जो पर्टिकुलर क्राइसेप्टेरा जेनस के ऊपर आता है। जो इसका जेनस है वो क्राइसेप्टेरा है। ये क्राइसेप्टेरा ग्रुप हर रीफ फेवरेट है। ये रीफ सिर्फ डैमसेल्स है और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा टॉलरेंस टू अदर फिशेस होते हैं। इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, बहुत अनोखा यूनिक फिशेस होते हैं। और इनका जो कलर वेरिएशन है, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाइब्रेंट रिफ्लेक्टिंग कलर वेरिएशन में मिलते हैं, जिसे नियॉन ग्रुप, इलेक्ट्रिक ग्रुप, इस तरह के बहुत अलग अलग ग्रुप के वेरिएशन कलर में मिलते हैं। इस जेनस का जो पहला फिश है, दैट इज क्राइसेप्टेरा साइनिया। इसका कॉमन नेम है ब्लू डेविल और इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसेल। ये जो इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसेल है, आप कलर देख रहे हैं कि ये कितने वाइब्रेंट कलर के हैं। ये ब्लू लाइट में नियॉन ब्लू, कंप्लीट नियॉन ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू की तरह बर्न करते हैं, ग्लो करते हैं। ये रीफ में, जिस तरह रीफ टैंक में जो नियॉन ब्लू लाइट रहता है, जिस तरह कोरल ग्लो करते हैं, ये वन ऑफ द डैमसेल जो खुद भी ग्लो करते हैं। दूर से आपको ये डैमसेल स्पेसिफिकली दिखेंगे, ये कंप्लीट ब्लू कलर का डैमसेल है। दैट इज नियॉन ब्लू डैमसेल, इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसेल, या ब्लू डेविल भी कहते हैं। दैट इज क्राइसेप्टेरा साइनिया। ये डैमसेल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 3 इंच तक साइज होता है। टेरिटोरियल तो सारे डैमसेल है, लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव है लेकिन बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है, काफी फ्रेंडली है। ये जो मेल डैमसेल है, मेल का टेल ऑरेंज टेल होता है, मेल डैमसेल थोड़ा बड़ा होता है, ऑरेंज टेल होता है, और जो फीमेल होता है वो ट्रांसपेरेंट टेल का होता है। दोनों का बॉडी कलर सेम रहता है, जैसा कि आप देख रहे हो। अगर आप मेल फीमेल पेयर में रखोगे तो कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप दो मेल रखोगे तो उसमें फिर से एग्रेशन टैंक में भर जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रिक ब्लू डैमसेल अगर आपको रखना है तो आपको मेल फीमेल में रखना है, या फीमेल के ग्रुप भी आप रख सकते हो, फीमेल ज़्यादा या मेल कम रख सकते हो, तब हारमोनी बना रहेगा। ये इंडो वेस्ट पैसिफिक में मिलते हैं। ये इंडियन ओशन का नहीं है, बे ऑफ बंगाल का नहीं है, ये पैसिफिक ओशन का है। दैट इज इंडो वेस्ट पैसिफिक। ये ऑल अराउंड द वर्ल्ड में मिलता भी नहीं है, ये स्पेसिफिक जगह में मिलते हैं, और जहां पर वाइब्रेंट कलरफुल कोरल रीफ है वहीं पर ही पाया जाता है। एक्वेरियम कंपेबिलिटी के लिए एन एक्सीलेंट फिश फॉर द बिगिनर। बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया फिश है। इट इज हार्डी, मोस्ट फूड्स आर एक्सेप्टेड। सारे फूड लेते हैं, वैरायटी ऑफ फूड ये लेते हैं, सारे टैंक में नॉर्मल जो भी फूड डालोगे वो ले लेंगे। प्लेंटी ऑफ हाइडिंग प्लेस शुड बी प्रोवाइडेड। ये फिश बहुत शाइफुल रहते हैं, ये ओपन स्पेस में फ्लोट नहीं करता है, बहुत हाइडिंग प्लेस को यूज़ करता है। ये डैमसेल छुपन छुपाई खेलने में बहुत मज़ा आता है इनको। ये साइना ग्रुप का, इस ग्रुप का जितने भी डैमसेल्स हैं, ये ग्रुप बहुत हार्डी के साथ साथ बहुत शाइफुल होते हैं। शाइफुल है इसीलिए दूसरों को ज़्यादा पीटता नहीं है। आज का जो हमारा अगला फिश है, दैट इज क्राइसेप्टेरा हेमिसाइनिया। इसका कॉमन नेम है एजूर डैमसेल और बाइकलर डैमसेल। ये डैमसेल इतना खूबसूरत कलर है, हाफ येलो और हाफ ब्लू कलर। इसके बॉडी के नीचे वाला पोर्शन येलो होता है और ऊपर वाला पोर्शन इलेक्ट्रिक ब्लू होता है। ये भी क्राइसेप्टेरा ग्रुप का है और बहुत ग्लो करता है और बहुत ही हार्मलेस डैमसेल है। ये मोस्ट हार्मलेस डैमसेल है। थोड़ा डेलिकेटेड सॉफ्ट जरूर है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, 3 से 4 इंच तक ही बड़ा होता है ये डैमसेल। ये डैमसेल भी सेंट्रल इंडो पैसिफिक में मिलते हैं, इंडोनेशिया में भी मिलते हैं, और पीसफुल डैमसेल है, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल डैमसेल, जो किसी अलग फिश को, किसी भी अगले फिश को, दूसरे फिश को डिस्टर्ब नहीं करते। अब ये डैमसेल मेल हो फीमेल हो, आप आराम से ग्रुप में रख सकते हो, शॉल में रख सकते हो। ये बहुत पीसफुल डैमसेल है और बहुत खूबसूरत डैमसेल है। ये बिगिनर डैमसेल तो है ही, हार्डी है, लेकिन कंपेरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट डैमसेल है, दूसरे डैमसेल के कंपेरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट डैमसेल है। रीफ एक्वेरियम में अगर आपको इसे रखना है तो स्मॉल स्मॉल ग्रुप में रखिए, थोड़ा झुंड में रखिए। ये डैमसेल 1-2 पीस रखेंगे तो वो मर जाएगा, ये झुंड में रहने से बहुत अच्छा रहता है, बढ़िया रहता है। इस डैमसेल का एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये नाम से मछली का कलर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। एक ही नाम, एक ही साइंटिफिक नेम के बहुत अलग अलग देखने में ये डैमसेल है। ये जियोग्राफिक लोकेशन के वाइज इनका कलर चेंज होता है। मींस ये कलर आप देख सकते हैं, मैं 2-4 वैरायटी आपको दिखा रहा हूँ पिक्चर में। ये एक फिश सेम नेम, अलग अलग जियोग्राफी लोकेशन के हिसाब से अलग अलग कलर वेरिएशन। इनका जो येलो पोर्शन है, ये येलो पोर्शन फिलीपींस का हो तो पूंछ के तरफ थोड़ा सा येलो रहता है, और कहीं और का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, कहीं और का हो, वो हाफ डायगोनली हाफ ब्लू हाफ येलो रहता है।
इस तरह ये फिश बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक है और बहुत ही यूनिक डैमसेल है, बहुत एक्सक्लूसिव डैमसेल है। ये क्राइसेप्टेरा हेमिसाइनिया एक इतना इंटरेस्टिंग फिश है, जैसा कि हम इंसान इंडियन हो तो स्किन कलर अलग होता है, अमेरिकन हो तो अलग स्किन कलर होता है, अफ्रीकन हो तो स्किन कलर अलग होता है, पर सबका जेनस और स्पीसीज सेम रहता है। तो सिमिलरली ये जियोग्राफिक लोकेशन के तरह जहाँ का है उसका स्किन कलर, मतलब येलो और ब्लू का कलर का पैटर्न भी अलग होता है। डार्क और लाइट तो होता ही है, इसके साथ पैटर्न तक भी अलग हो जाता है। ये यूनिक स्पीसीज ऑफ द डैमसेल। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग नॉलेज मैं आपसे लगातार शेयर करता जा रहा हूँ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीसीज, दैट इज क्राइसेप्टेरा ल्यूकोपोमा। ये क्राइसेप्टेरा ल्यूकोपोमा, जिसका कॉमन नाम है सर्ज डोमिसेल, ये इंडो वेस्ट पैसिफिक में पाया जाता है। ये काफी बड़ा भी होता है, थोड़ा बड़ा भी होता है, 5 इंच तक बड़ा होता है। सर्ज डोमिसेल इसके नाम से पता चलता है ये कहाँ रहने वाला है। ये ओशन में सर्ज एरिया में मिलता है। सर्ज एरिया मीन्स वो किनारा जहाँ पर ज्वार भाटा का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, हाई टाइड लो टाइड का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये फिश एक ऐसा फिश है जो हाई करंट फ्लो में रहता है। ये इकलौता डैमसेल है जो हाई करंट फ्लो में मीन्स सर्ज एरिया में, जो एक्रोपोरा कोरल के जो शॉल्स रहते हैं, जो हाई टाइड में पानी के नीचे चले जाते हैं, लो टाइड में पानी से ऊपर आ जाते हैं, उस एरिया में और जहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा है उस करंट फ्लो में ही ये मिलता है। ये डैमसेल का कलरेशन सेम स्पीसीज, सेम साइज, सेम एज का कलर वैरी करता है, बहुत वैरी करता है कलर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हो। एक ही साइज के मेल दो डैमसेल का कलर अलग अलग होगा, डार्क होगा, लाइट होगा, फेड होगा, ब्राइट होगा। एक ही साइज के फीमेल का कलर अलग होगा, एक ही जगह का डैमसेल का भी कलर अलग होता है। जैसे हम इंडियन में भी गोरे होते हैं, काले होते हैं, डार्क होते हैं, ब्राउन होते हैं, व्हाइट होते हैं, इसी तरह ये एक जगह के हैं लेकिन फिर भी इनका कलर कॉम्प्लेक्शन एक ही ग्रुप के अगर रहे तो भी हर एक डैमसेल का कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज रहता है और ये हाई करंट फ्लो पसंद करता है। ये डैमसेल बिगिनर नहीं है, ये रीफ ओरिएंटेड टैंक में रहता है, हाई फ्लो वाले टैंक में रहता है, जहाँ पर हाई फ्लो, जहाँ पर एक्रोपोरा का रीफ रहे, एक्रोपोरा वाला रीफ है मीन्स एसपीएस रीफ, एसपीएस रीफ में हाई फ्लो रहे वहाँ पर ये डैमसेल चलेगा। और ये डैमसेल का जो डाइट है वो कंसिस्ट है एल्गी, क्रिल, माइटी श्रिम। ये जनरली ड्राई फूड अच्छी तरह नहीं लेता है, अगर आप ड्राई फूड में सेट भी कर दो तो लॉन्ग टर्म में ये नहीं जिएगा। ये डैमसेल बिल्कुल है रीफ सेफ है, लेकिन बिगिनर का फिश नहीं है। ये थोड़ा ठंडा पानी में रहना पसंद करता है, हाई फ्लो में रहना पसंद करता है, खाना भी सब खाना ये नहीं खाता है, स्पेसिफिक फ्रोजन फ्रूट, क्रिल, माइटी श्रिम ये सब में आता है, या लिक्विड फूड हो वो सब में आता है। और हालांकि ये सॉफ्ट डैमसेल है, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है, ये ज़्यादा एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। मैं पहले ही बोला क्राइसेप्टेरा ग्रुप के कोई भी डैमसेल एग्रेसिव नहीं होता है, तो ये एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिगिनर डैमसेल भी ये नहीं है। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्पीसीज है इसी सेम जेनस का, दैट इज क्राइसेप्टेरा पैरासीमा। ये क्राइसेप्टेरा पैरासीमा बहुत कॉमन डैमसेल है, जो आप लोग सबको जानते हो येलो टेल ब्लू डैमसेल। ये येलो टेल ब्लू डैमसेल ही है क्राइसेप्टेरा पैरासीमा। ये सेंट्रल इंडो पैसिफिक में मिलते हैं, ये वास्टली मिलता है सेंट्रल इंडो पैसिफिक, हमारा इंडियन ओशन में भी मिलता है। ये ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है, 3 इंच तक मैक्सिमम साइज होता है, 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। जितने भी मरीन फिशेस है वर्ल्ड वाइड, ये सारे मरीन फिशेस में सबसे ज़्यादा हार्डी डैमसेल है, सबसे ज़्यादा हार्डी फिश है। नॉट ओनली हार्डी डैमसेल है, सारे फिश में सबसे ज़्यादा हार्डीएस्ट फिश है, एंड इट इज़ सर्टेनली अ फेवरेट वन विद एक्वारिस्ट। जितने भी एक्वारिस्ट है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सबका ये लगभग फेवरेट फिश है, दैट येलो टेल ब्लू डैमसेल, और इजिली अवेलेबल। ये बहुत सबसे कम दाम का भी फिश है, सबसे इजीली अवेलेबल भी है वर्ल्ड वाइड। इसका फीडिंग को भी लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ आइडियल फॉर बोथ रीफ टैंक एंड कंप्लीट बिगिनर्स। रीफ टैंक हो, बिगिनर्स हो, फिश ओनली हो, सबके लिए ये टैंक, ये फिश फेवरेट है और सबके लिए फिटेड है। सो ये जो हमारा आखिरी फिश येलो टेल ब्लू डैमसेल, आप लोगों का चाहिदा फेवरेट फिश ऑल अराउंड द वर्ल्ड, इसके साथ ये क्राइसेप्टेरा जेनस खत्म होता है। हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब बटन को दबाइए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, हर हर महादेव।